पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी प्रोजेक्ट है ही नहीं कि इसको दूसरे मुल्क में मुंतकिल कर दे या कोई और कोई ऐसी तरीका बना ले कि जिससे ये काम तरक्की कर ले। जिस तरह इंडिया में या तुर्की में या यमन में होता आ रहा है, हुकूमत इस कारोबार वालों को सहूलत दे रही, कार्ड दे रहे, कर्जा दे रहे, इस मुल्क में तो ये निज़ाम नहीं है फिलहाल। अभी इस पर तकरीबन यूनियन लगा हुआ है ना, जो अभी यूनियन बना है पिशावर में, हमारा बड़ा इतिहाद बना हुआ है, वो इस प्रोग्राम में लगे हुकूमत से उन्होंने बात की है कि यार हम इस तरह तो प्रोजेक्ट दिया जाए, कोई तरीका बनाया जाए। तकरीबन अभी कुछ तो कामयाब हुए। इसकी दवाई जो चाइना से आती है उस पर बोलते कि उर्दू वाली लिखाई करी, चीनी जुबान हमें समझ नहीं आती, और जो पाकिस्तानी दवाइयां बनती है उसमें वो पर वो दम नहीं होता जो चाइना की दवाई में होता है। इधर तकरीबन महीने बाद दूसरी दो नंबर दवाई बन जाती और लेबल वही चाइना का लगा जाता है, तो ज्यादा दवाइयाँ बन जाती, खर्चा भी हो जाता है, मक्की ख़राब होगी, आप दवाई देंगे आप दवाई के और बात पे होंगे और उधर वो। हमारे पास एक ही नस्ल की जो ऑस्ट्रेलिया वाली नस्ल है, इसकी एक ही नस्ल की मक्की पाई जाती है, बाकी इधर इनकी जो जंगली पहाड़ों की और मक्की है वो दूसरी नस्ल की है, लेकिन वो वफादार नहीं है, वो डब्बों में नहीं रहती, और ये जो ऑस्ट्रेलिया की जो ईजाद है ये वाली मक्की डब्बों के अंदर वफादार पाई जाती है। नहीं, मौसम तकरीबन वही है, ऐसी चेंजिंग में से मौसम है नहीं हुआ अभी तक। ये तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की, यमन, तकरीबन काफ़ी मुल्कों में पाई जाती है। ये तो सारे इलाके इधर से नारान, कगान, बलाकोट, कुमराट, चतराल और कलाम ले लो, कौन से इलाके कुमराट तक दूर दूर तक फार्म जाते, गिलगित तक तकरीबन ये सीजन की बात होती है। अगर सीजन सही आई ना, सीजन बन के आई और मक्की बन गई तो फिर माशाल्लाह सही बनता है। अभी नीचे जो इलाके हैं वो इतनी गर्म हो गई तो 45-50 सेंटीग्रेड तक गया, उधर अभी फूल ख़त्म हो गया। अब ये इलाके ठंडी है, अब वो हवा इधर ठंडा है, इस वजह से अभी इधर फूल है। देखें मक्की को अभी खुश है। नहीं, मुश्किल तो नहीं है, हुकूमत की तरफ से ना कोई सहूलत है और ना कोई, क्योंकि अभी रेट देखो, किराया देखो, हर चीज़ डबल हो गया ना, और ना सीज़न का कोई इस तरह दूसरे मुल्कों में मुंतकिल करना कोई ऐसा, पाकिस्तान में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, इसी वजह से ये कारोबार मुश्किल होता है। खर्चा तो तकरीबन इसका 2-6-7 लाख रुपए 4 महीने में हो जाते हैं। किराया महंगा है ना, तो पहले हम इधर 18-20 हज़ार रुपये आते थे, अभी तकरीबन 40-45 हज़ार लगते हैं। अभी तो कुदरती फूल है ना पहाड़ों में, इस साल थोड़ा मक्की बहुत काम कर रही है, जाली आप देख रहे हैं ना, वैसे तो इस टाइम हम छीन के लाते हैं इनको, लेकिन इधर शहद नहीं बनाती। हाँ, शहद नहीं बनाती, सीजन इसका अपना टाइम होता है, मार्च अप्रैल में होता है, फिर अगस्त के बाद होता है, अगस्त सितंबर में तकरीबन इसका सीजन होता है।